हमने इसे पत्थर उछाला तो हवा में कितनी देर रहेगा? बिल्कुल चंद सेकंड, सेकंड भी बहुत है, लेकिन जमीन पर पड़ा रहेगा। ऐसे ही ये मनुष्य आदि पर्यायों में, देव आदि की पर्यायों में उस काल के सामने वो कह रहे हवा में पत्थर उछालने जैसा है। पत्थर हवा में कितनी देर रहेगा, ऐसे मनुष्य कितनी देर रहने वाले? हम ये जो अपन बहुत परेशान हो रहे हैं ना, मेरा मेरा यहाँ पे अगर वो काल की गणना करोगे तो तुम्हें लगेगा ये सांस के बराबर भी काल नहीं है। हाँ, और अपन इस पर्याय में न जाने कितनी कल्पना, कितने पागलपन, कितना ज्ञान, कितनी वासना है। ऐसा लगता बस बस पता नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जो कुछ यही करो, यही बच्चे, यही सब कुछ नहीं है। जब देखो जिन बच्चों से हम इतना मोह कर रहे हैं, सही बताओ, हृदय पे हाथ रख के, उन बच्चों से जैसा हम मोह कर रहे हैं, और लोगों ने भी किया होगा कि नहीं किया होगा? सभी हमारे माँ बाप ने किया होगा कि नहीं किया होगा? उनके माँ बाप ने किया हुआ है तो भी यही बने रहे, चले गए कि नहीं चले गए, छोड़ के जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? तो इतना वो गहरा जो मोह किया था उसने रोक नहीं पाया, बचा नहीं पाया है, इतना गहरा मोह, कुछ मिलता है उसके बदले? लेकिन इतना सब देखने के बाद भी हम अपने बच्चों से इतना मोह करते, इतना मोह करते, ऐसा लगता है कि ये बच्चे हैं तो मैं हूँ, और ये बच्चे नहीं तो मैं भी नहीं, तो इतना मोह। और जबकि प्रत्यक्ष है, इन्हीं बच्चों को एक दिन अपने सामने छोड़ के जाना है, खाट पे पड़े रहोगे, समाधि मण होके चला जाए, अगर ज्ञानी होगे तो, अज्ञानी होगे तो कुमरण हो जाएगा। ख्याल में आए कि नहीं आए, बोल गहरा। इसलिए मुँह में कहाँ इतना परेशान हो बच्चों की चिंता में? अरे आधा है, बच्चों की चिंता उतनी करो जितनी जरूरत है, तत्व विचार भी ना कर पाए ऐसी चिंता किस काम की, तत्व विचार भी ना कर पाए ऐसा पैसा किस काम का, तत्व विचार भी ना कर पाए ऐसे संयोग क्या काम के।